दोस्तों, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये वीडियो पूरा देख लेना। एलएनटी में अप्लाई करो या सापोजी पुलुंसी में अप्लाई करो या कोई भी कंपनी में अप्लाई करो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हो तो। भली जॉब के लिए अप्लाई अलग है, लेकिन इंटर्नशिप अप्लाई करना सबसे आसान है। बोलू तो आज अप्लाई करो, कल से आपको मिल जाएगा इंटर्नशिप, इतना आसान है। अब बोलोगे कैसे, तो ही बता रहे हैं कैसे। बिल्कुल आसान है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो आराम से। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको एनओसी लेना है। एनओसी का मतलब क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन, एन फॉर नो, ओ फॉर ऑब्जेक्शन, एनओसीसी फॉर सर्टिफिकेट। ये कहां से मिलेगा? आपके कॉलेज से मिलेगा। बस आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, कितने दिन के इंटर्नशिप के लिए जाना है, ये चीजें एनओसी में पूरा क्लियर करवा लो, ठीक है? कि आपके कॉलेज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जहां पे आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, ठीक है? आप लिखवा लो, या फिर ये चीजें आप बाद में भी प्रोसेस कर सकते हो। आप पहले बातें कर लो कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो क्या वहां पे इंटर्नशिप देगा या नहीं देगा, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, अगर दे दे रहा है तो तुरंत आप एनओसी ले लो। एनओसी के लिए भी आप बात करके रख लो पहले आप अपने कॉलेज में कि आपको एनओसी देगा या नहीं देगा। बहुत सारा ऐसा टाइम आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि उस टाइम में एनओसी देना इनलीगल हो जाता है। क्यों क्यों इनलीगल हो जाता है? इसलिए कि उस टाइम एग्जाम का सीजन पड़ जाता है, या प्रोजेक्ट बनाना होता है, या बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है। तो एनओसी जो आपको मिलता है वो ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मिलता है। तो चीजें हैं, जब आपका कुछ वहां पे ना हो, मान लीजिए कोई एग्जाम वगैरह सामने नहीं आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट बना के नहीं देना है, उस टाइम आपको एनओसी दिया जाता है। तो ये कॉलेज से आपको पहले जान लेना पड़ेगा, जब भी आप एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मुझे इंटर्नशिप के लिए जाना है, या कॉलेज खुद ही दे देता है। अगर कॉलेज ना भी दे, या जब भी मन चाहे आप ले सकते हो इंटर्नशिप, ठीक है ना? कोई भी कंपनी में ले सकते हो। तो आपको कॉलेज से पहले देख लेना है एनओसी के लिए। हम एलएनटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो आपको एनओसी का पहले पूरा क्लियर कर लीजिए कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। उसके सीधा कोई भी, आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट देख रखे हैं ना, कोई भी वहां पे आप निकल जाइए। नहीं तो अभी गूगल का टाइम है, चैट जीपीटी का टाइम है, आराम से सर्च कीजिए कि इंडिया में या फिर कोई भी स्टेट में आपको चाहिए। तो मान लो कि आप वेस्ट बंगाल से हो, तो वेस्ट बंगाल में अभी कहाँ कहाँ कंपनी का काम चल रहा है, ठीक है ना? जैसे एलएनटी का आपको सर्च करना है तो एलएनटी वर्क इन कोलकाता बोल के सर्च कर लो ऑल लिस्ट। तो जैसे कल्याणी में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता होगा काफी लंबा प्रोजेक्ट है वो, तो कल्याणी पे गंगा के ऊपर चल रहा है ब्रिज, ब्रिज का प्रोजेक्ट, तो उसमें काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप सीधा जाओ वहां पे साइट ऑफिस पे, वहां पे जीएम या फिर पीएम सर मिल जाएंगे। पीएम सर से सीधा बात करो, पीएम सर समझे ना, प्रोजेक्ट मैनेजर सर, प्रोजेक्ट मैनेजर सर से बात करो कि मुझे सर इंटर्नशिप चाहिए, 2 महीना, 1 महीना, जितना दिन के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए। आप सीधा वहां पे बातें करो। इसके लिए आपको कोई पैसे पे भी नहीं करना है, और आपको वहां से कोई पैसे भी नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना, इंटर्नशिप फ्री होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, इंटर्नशिप फ्री मिलता है ज्यादातर। ना ही आपको वहां से पैसे लिया जाएगा, ना ही आपको वहां पे पैसे दिया जाएगा। बदले में आपको सर्टिफिकेट एक मिल जाता है, एक व्हाइट कागज पे पूरा स्टाम्प के साथ आपको मिल जाएगा, एलएनटी में आपने इतना दिनों की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कर ली है, ठीक है? यही चीजें है। आप सीधा बात करोगे और सर खुद ही दे देंगे, वहां पे अप्रूवल कर देंगे। आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कहीं नहीं देखना है। सीधा आपको जो बताए वो चीजें सर्च करके आप साइट पे सीधा पहुंच जाओ, साइट से ही मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये जानकारी मेरे ख्याल से पहली बार मैं ही दिया हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। ट्राई कर लो आप, और जैसा मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, ऐसा जानकारी कहीं मिल जाए तो कमेंट में बता देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।